प्रत्येक वर्ष का बजट कुछ अद्वितीय विशेषताओं के साथ आता है। प्रस्तुत है बजट 2017-18 की अद्वितीय विशेषताएं। पहला, बजट प्रस्तुतीकरण तारीख में अग्रिम परिवर्तन। दूसरा, रेल बजट का आम बजट में विलय। तीसरा, बजट और लेखों में योजनागत एवं गैर योजनागत वर्गीकरण का विलय। अब हम इनमें से प्रत्येक पर विशेष दृष्टि डालते हैं। संघीय बजट 2017-18 को फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को क्यों प्रस्तुत किया जाता है? बजट प्रस्तुतिकरण की तारीख में अग्रिम परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वित्त विधेयक के अनुमोदन की संपूर्ण प्रक्रिया 31 मार्च 2017 तक पूरी हो सके। ये सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को उनके संपूर्ण राजस्व आवंटन को वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन जैसे 1 अप्रैल 2017 से ही प्राप्त करने में मदद करेगा। आगे यह वर्ष के प्रारंभ से ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रस्तावों के क्रियान्वयन में मदद करेगा। रेल बजट और आम बजट के विलय के पीछे क्या कारण है? एकीकृत बजट प्रस्तुतीकरण रेलवे मामलों को केंद्र में लाएगा और सरकार की वित्तीय स्थिति का संपूर्ण चित्र प्रदर्शित करेगा। यह रेलवे में पूंजीगत व्यय बढ़ाने और आर्थिक प्रगति को वर्धित करने में मदद करेगा। इस बजट में योजनागत और गैर योजनागत बजट व्यय में विलय से क्या लाभ होगा? बजट में योजनागत और गैर योजनागत विलय से यह अपेक्षा की जा रही है कि यह उचित बजटीय ढांचा प्रस्तुत करेगा जो कर एवं पूंजीगत व्यय पर केंद्रित होगा। ये कदम सरकारी खर्चों को अंततः इनके परिणामों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से जोड़ पाएगा।